आज हमने एकदम आसान तरीके से सिर्फ 10 मिनट में बन जाए ऐसी एकदम झटपट बासुंदी की रेसिपी बनाई है। वैसे तो ट्रेडिशनल तरीके से बासुंदी हम बनाते हैं तो उसमें बहुत ही टाइम लग जाता है, तो आज हमने कुछ अलग ही तरीके से ये बासुंदी बनाई है। ट्रेडिशनल तरीके से बनाई हुई बासुंदी का टेस्ट और ये हमने जो झटपट बनाई है इस बासुंदी का टेस्ट बिल्कुल ही वैसा ही है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं झटपट बासुंदी। तीन कप फुल क्रीम का दूध लिया है, ये 750 ml दूध है। इसे हम एक टॉप में डाल देते हैं, गैस चालू कर देते हैं। इसमें हम 10 से 12 केसर के धागे डाल देते हैं, ये ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना है तो इसे स्किप कर सकते हैं। दूध में एक उबाल आ जाए तब तक हम इसे बॉईल कर लेंगे। तेज आंच पे दूध को चला के उबाल लेना है ताकि नीचे तले में चिपक नहीं जाए। दूध में एक उबाल आ गया है, गैस ऑफ कर देंगे। पैन में हम 2 tablespoon घी डालेंगे, आधा कप दूध डालेंगे। दूध को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। दूध थोड़ा गर्म हो गया है तो इसमें आधा कप मिल्क पाउडर डालेंगे, ये 100 ग्राम मिल्क पाउडर है। मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। बासुंदी हम एकदम झटपट बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इसमें इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ट्रेडिशनल तरीके से जो हम बासुंदी बनाते हैं इसका टेस्ट भी वैसा ही रहेगा। मिल्क पाउडर का मिश्रण इतना थोड़ा लूज ही रखना है, हमने जो दूध उबाल के रखा था ये डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है, आप देख सकते हैं। मिल्क पाउडर का जो हमने मावा बनाया अगर वो एकदम हम घट कर देंगे, एकदम गाढ़ा कर देंगे तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा, बहुत ही इसे चलाना पड़ेगा। थोड़ा सा लूज रखेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। गैस की फ्लेम हमने तेज कर दी है, 2 से 3 मिनट इसे तेज आंच पे चला के उबालेंगे और साइड में मलाई बनेगी, इसे हम निकालते रहेंगे। रबड़ी को जल्दी से गाढ़ा करने के लिए हमने 2 teaspoon कॉर्नफ्लोर लिया है, 1/4 cup दूध इसमें डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे और इसे चलाते हुए इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर आपको अगर नहीं डालना है तो इसके बदले में आप 2 से 3 tablespoon मिल्क पाउडर और डाल दें। कॉर्नफ्लोर के बदले में मिल्क पाउडर थोड़ा आप ज्यादा डाल दें। लगातार चला के इसे और 2 से 3 मिनट उबाल लेते हैं। तेज आंच पे 3 मिनट इसे उबाल लिया है और आप देख सकते हैं दूध थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। 3 tablespoon चीनी डालेंगे, या चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 मिनट इसे और उबाल लेंगे, चीनी का पानी जल जाए तब तक। 1.5 tablespoon बादाम की स्लाइस, 1.5 tablespoon पिस्ता की स्लाइस, ये दोनों डाल देंगे। 1 teaspoon इलायची पाउडर और 1 मिनट इसे उबाल लेंगे। रबड़ी गाढ़ी हो गई है, गैस ऑफ कर देते हैं। ठंडी होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। 10 मिनट में रबड़ी बन के रेडी है, इसे आप गर्म भी सर्व कर सकते हैं और इसे फ्रिज में रख के ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। पूरी के साथ रबड़ी खाने का मजा ही कुछ और है। पूरा 1 liter दूध की रबड़ी हमने बनाई है। बासुंदी को रूम टेम्परेचर पे आ जाने के बाद हमने एक बॉल में निकाल लिया था और इसे फ्रिज में 2 से 3 घंटा हमने रखा था। अब ये एकदम ठंडी हो गई है और आप देख सकते हैं ये गाढ़ी भी हो गई है, तो अभी ये सर्व करने के लिए रेडी है।
इसे हम सर्विंग बोल में निकालेंगे। बासुंदी के ऊपर हम पिस्ता की स्लाइस डालेंगे। बासुंदी बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे एक बार जरूर बनाइए। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले और एक वीडियो के साथ में।